उम्मीद है आप पिछले वीडियो देख रहे हो और आपको पसंद भी आ रहे हैं। और आज हम करेंगे 17.7 और 17.7 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे है। 100 छात्रों के जो प्राप्तांक है निम्न सारणी में दिए गए हैं और इनसे आपको माध्यिक यानी मीन ज्ञात करना है, सॉरी मीडियन ज्ञात करना है। ठीक है, मीडियन ज्ञात करना है। यहाँ पिछले चैप्टर में भी मीडियन ही ज्ञात कर रहे थे, लेकिन वहां पे हम क्या कर रहे थे, छोटे क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे वर्ग अंतराल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो मीडियन ज्ञात करते हैं उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एल प्लस आर एन बाई टू माइनस का सी एफ और बटे में एफ और गुणा में आपका एच होता है, यह आपका फॉर्मूला होता है। उसके अकॉर्डिंग जो पहले कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम सी एफ का मान निकालते हैं। और सी एफ का मतलब ये नहीं है कि एफ ये है और सी कोई चीज है, सी को उसके साथ गुणा कर दो, नहीं, ये संचयी बारंबारता है। सबसे पहला अक्षर तो सेम आपका आ जाता है, उसके बाद जोड़ के लिख देते हैं, आपका क्रॉस जोड़ के लिखते हैं। 26 और 44 कितने हो गए आपके, कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे क्या, और यहाँ पे ये हो गए आपके कितने, 96 हो गए क्या, ये 99 हो गए क्या, और ये 100 हो गए क्या। यहाँ से सिग्मा एफ और जो एन का मान है वो बराबर होता है और कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। लेकिन मुझे एन बाई टू या फिर सिग्मा एफ बाई टू का मान चाहिए और 100 बाई टू यानी कितना है, 50 है। 50 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है उसको मार्क कर लो और वो कितनी है, 70 वाली ये है। यहाँ से एल का मान क्या होता है, निम्न सीमा होती है और निम्न सीमा आपकी 40 है। उसके बाद एन बाई टू का मान है, एन बाई टू का मान आपको 50 है और एच का मान बेटा अंतर कितना चल रहा है, 10 का चल रहा है, और एफ का मान कितना है, यहाँ से 44 है। एक मान और बच गया सी एफ का मान। सी एफ का मान आपको यहाँ पे 70 नहीं लेना है, नहीं ये लेना है क्योंकि जो हमने निकाला उससे ठीक बड़ी बारंबारता तो ये है, लेकिन इससे छोटी बारंबारता देखी जाएगी, अभी इसके जस्ट ऊपर वाली बारंबारता देखी जाएगी, वो आपका सी एफ का मान हो जाएगा और वो मान है आपका कितना, 26। यहाँ से ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एल का मान आपका कितना है यहाँ से 40 और प्लस में एन बाई टू यानी 50 और माइनस सी एफ का मान है आपका 26 और बट्टे में आपके कितने हैं, एल एफ का मान 44 और गुणा में कितना है, 10 है। यहाँ पे देखिए आगे 40 प्लस यहाँ पे 24 बच गए क्या और गुणा में 10 और बट्टे में 44 हो गए क्या। ठीक है, यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये 12 बार कट जाएगा, ये 22 बार कट जाएगा और इसको इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 120 बट्टे कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। सबसे पहले इसमें भाग दिया जाएगा तो 22 भाग जाएगा 5 बार, 22 पंजे 110 यानी 10 सेंस बच जाएंगे। उसके बाद पॉइंट आ जाएगा, भाग 4 बार जाएगा फिर 5 बार जाएगा। अब इसमें इसको ऐड कर दिया जाएगा तो आपका आ जाएगा 45.45। जो इस सवाल का जो माध्यक है यानी मीडियन है वो आपका कितना आ जाएगा, 45.45 आ जाएगा। बताओ कोई चीज में दिक्कत आ रही है, कोई डाउट है तो बोलो बेटा कि हाँ सर इसमें दिक्कत आ रही है। इससे भी कोई सरल तरीका आपको मिलता है तो एक बार उसकी वीडियो का जो लिंक है उसका कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में कर देना कि सर ऐसा वीडियो भी होता है। ठीक है, नहीं समझ में आए तो कमेंट करना और क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला करो। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, प्राप्तांक दे रखे हैं और एफ का मान दे रखा है और सबसे पहले निकालते हैं सी एफ। सी एफ निकालते हैं, यहां से देखो 4 आ गए, उसके बाद ये 32 हो गए और ये हो जाएंगे 34 और ये हो गए 74 और ये हो गए आपके कितने, 94 और 6 आपके हो गए 100। एन बाई टू का मान है वो 100 आ गया यानी 100 बाई टू यानी 50 आ गया। 50 से ठीक बड़ी जो संचयी बारंबारता है वो कितनी है, 74 है और 74 है यानी इसको मार्क केवल कर लो आप। इसको मार्क कर लिया, जो L है वो यहाँ से 20 आ जाएगा, H है यानी अंतर है वो 10 आ गया और यहाँ से जो CF का मान है वो आ जाएगा 32 क्योंकि इससे छोटी बारंबारता वो कौन सी है, ये है। यहाँ से ये 32 आ गया और उसके बाद में मेरे को मान किसका चाहिए, एक एफ का मान और चाहिए। एफ का मान इसके संगत कितना है, 42 है। मैं फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, जो माध्यक है उसका फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ बट्टे में एफ और गुणा में एच। एल का मान आपका 20 है प्लस एन बाई टू का मान 50 है माइनस के सी एफ यानी 32 बट्टे में एफ, एफ का मान आपका कितना है, एफ का मान है आपका 42 और गुणा में आपका एच यानी जो अंतर है वो कितना है, 10 है।
यहां से आपको देखना है, क्या देखना है, ये 20 है और ये कितने हैं, 50 में से 32 जाएंगे 18, 18 को 10 से गुणा करेंगे, 18 को 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 180 और बट्टे में कितना है 42 है। बोलो यहां तक कोई चीज समझ में नहीं आई तो बताओ, यहां तक जो सही समझ में नहीं आई तो बताओ। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले ये हल होगा, अगर ये हल नहीं करना चाहते तो आप इसको यहां से वज्र गुणा करो और इसमें ये जोड़ो और भाग दे दो, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे दिक्कत आ रही है तो सबसे पहला काम ये है कि ये 20 आपका एज इट इज रहेगा, उसके बाद में 180 में जो 42 का भाग दिया जाएगा तो वो भाग जाएगा, देखो 4 चौक 16 यानी कि 4 बार चला जाएगा, और यहाँ पे 4 बार जाने के बाद में यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा और जो आपका मान है वो कितनी बार जाएगा, 4.29 बार जाएगा, ठीक है। ये जो भाग देंगे वो 4.29 बार जाएगा और यहाँ पे इसमें अब इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 24.29, जो इसका माध्यक है, इस सवाल का जो माध्यक है वो आपके सामने है 24.29 है, वो इसका सही उत्तर है, ठीक है। बताओ समझ में आया नहीं आया, कमेंट करो फटाफट कि समझ में आया, और नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड देखते हैं। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में देखो सेम टू सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो का वो है। सबसे पहले सीएफ का मान निकालते हैं, ठीक है, सीएफ का मान और ये आपका एफ का मान है। थोड़ा सा मार्कर में दिक्कत है, थोड़ा सा कर लेना आपको। यहां से देखते हैं सीएफ का मान 2 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, और यहां से इसमें जोड़ेंगे 18 आ जाएगा, और 17 × 34 और 1 = 35 आ जाएगा, ये 65 आ जाएगा, उसके बाद में आ गया आपका 80, ये 90 और ये 100। ऐसे क्रॉस जोड़ना है ऐसे, ठीक है, ऐसे क्रॉस जोड़ना है, ठीक है। और ये अब जो यहां से देखते हैं जो n बाई 2 का मान है वो कितना आ गया, 100/2 यानी कितना आ गया 50। 50 से ठीक बड़ी जो आरंभवार्ता है वो ये है, इसको मैंने मार्क कर लिया। यहां से जो l का मान है वो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और h का मान आ जाएगा 10 क्योंकि अंतर उतने का ही चल रहा है। cf का मान आ गया आपका 35 और f का मान कितना आ गया, 30 आ गया उसके संगत, और कोई मान चाहिए का, n बाई 2 का है। फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, जो मीडियन है ना उसको मैं कैपिटल M से लिखता हूं, और L प्लस N बाई 2 माइनस का CF और बट्टे में कितना F और गुणा में H। कैपिटल M इज इक्वल्स टू L का मान कितना है, यहां से 40 प्लस N बाई 2 का मान 50 माइनस CF का मान है 35, F का मान है आपका कितना 30 और इनटू में H। 40 प्लस यहाँ पे 15 बच गए, 15 को 10 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 150 और बट्टे में कितना है 30 है, 10 से 10 कट गया और इसको इसे कैंसिल आउट किया तो 5 आ गया, और 40 प्लस 5 यानी कि कितने हो गए आपके 45 यानी 45 हो गए। 45 आपका क्या है, ये कैपिटल एम यानी मीडियन आ गया, और मीडियन आपका इस क्वेश्चन का कितना आ रहा है 45। बताओ समझ में आया क्या, इसमें कोई ऐसी ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, पॉइंटों में भी नहीं थे। और आपको क्या करना था, सबसे पहले आपको सीएफ निकालना था, सीएफ निकालने के बाद में ये कि ये प्रोसेस है, और आपको पता है एल क्या होता है, एन बाई टू क्या होता है, सीएफ क्या होता है, एच क्या होता है, एल क्या होता है, एफ क्या होता है। यहां से आपके जो आंसर है वो कितने आते हैं, 45 आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन और इस चैप्टर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। यहां से सबसे पहले और ये आपका वर्ग अंतराल और ये एफ का मान दिया गया है, उसके बाद हम ज्ञात करते हैं जो हमारा घिसा पिटा तरीका है, सीएफ यानी संचयी बारंबारता ज्ञात की जाती है। यहां से 42 और ये कितने हो गए 72, और यहाँ पे 7 और 5 कितने होते हैं 12 यानी कि 122, और ये 124 और 100 कितने हो गए आपके, ये 144 हो गए क्या, देख लेना, 144 और 8 आपके हो जाएंगे 152, और 152 और 5 हो गए 157, यानी कि n बाई n का मान आपका हो गया 157, n बाई 2 का मान आपका 157 बाई कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। भाग दे दीजिए, 2 × 7 = 14 है, 1 + 2 = 8 = 16 है, 1 + 2 = 5 = 10। 78.5 से ठीक बड़ी जो बारंबारता है वो आपकी ये है, इसको मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। यहां से मैं ज्ञात कर सकता हूं l का मान कितना है 16 है, H यानी अंतर चल रहा है 8 का, और CF
सी एफ का मान इससे छोटी बारंबारता यानी इससे ऊपर वाली ये होगी, और एंड वाई टू का मेरे पास मान है, एफ का मान कितना है आपका 50। वैल्यू आने के बाद हम जो फॉर्मूला है वो आपको याद है क्या होता है, एल प्लस एन बाई टू माइनस का सी एफ बटे में एफ और गुणा में एच। वैल्यू रखो आप, एल का मान कितना है 16 प्लस एन बाई टू का मान है 78.5 माइनस ये 72, एफ का मान 50 और गुणा में एच, एच का मान आपका कितना है 8 है। यहाँ जब इसको हल करते हैं तो आपका जो आंसर है वो कितना निकल कर आता है 17.04। अब बताओ 17.04 जिसका आ रहा वो तो सही है, और वरना तो कोई ना कोई मिस्टेक हुई है डेफिनेटली। बताओ यहाँ से जो चार क्वेश्चन थे वो कंप्लीट होते हैं। बताओ वीडियो कैसा लगा, इजाजत लूंगा बिना कोई समय व्यर्थ करते हुए, टाइम व्यर्थ नहीं करूंगा, टेंथ क्लास में हो, टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। और मिलता हूँ अगले वीडियो में, शहीदों को एक बार फिर नमन करना चाहूंगा, और राम राम साहब।